हेलो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं नज़र सीजन 3 के बारे में। जैसा आप जानते होंगे, सीजन 1 काफ़ी अच्छा गया था, सीजन 2 जी हाँ वो भी काफ़ी अच्छा गया। अगर बात करें शो में कौन आए थे मेन स्टार कास्ट के तौर पर नज़र, तो जैसा आप जानते होंगे नियति फतनानी यहाँ पर पी आर राठौर के किरदार में नज़र आ रही थी। वही बात करें उनके अपोजिट हर्षित चोपड़ा नज़र आए थे, जो कि यहाँ पर अंश राठौर का किरदार प्ले कर रहे थे। इसके अलावा मोनालिसा यहाँ पर काफ़ी मेन कैरेक्टर में नज़र आई थी। सो ये सब कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे शो को। वहीं बात करें सीजन 2 भी काफ़ी ज़्यादा हिट गया था, और अगर देखा जाए तो इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया था 30 जुलाई 2018 को, जी हाँ, और लगातार अपने फैंस को एंटरटेन करता रहा है शो। यही वजह है कि इस शो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और फैंस इस शो का सुपरनेचुरल शो का एक बार फिर से नया सीजन देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर बात करें इस शो का लास्ट एपिसोड आया था, वो भी लॉकडाउन की वजह से शो में टीआरपी में थोड़ी गिरावट आई। यही वजह है कि ये शो को 20 मार्च 2020 को शो को ऑफ एयर कर दिया गया था। सो दो साल तक अपने फैंस को एंटरटेन करता रहा ये शो। ये सुपर नेचुरल शो में से नंबर 1 पर शो था, जी हाँ। कई सारे सुपर नेचुरल शो उस टाइम पर क्रेज़ में थे, ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। सो यही वजह है कि एक के बाद एक सुपर नेचुरल शो रिलीज़ होते जा रहे थे, उन्हीं में से एक शो ये भी था और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्टार प्लस का ये शो था। सो खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से आने वाला है इस शो का सीजन 3, और ऑडियंस भी लगातार डिमांड कर रही है जब से शो ऑफ एयर गया है। सो देखने वाली बात ये होगी कि मेकर्स क्या इस शो के सीजन 3 को लेकर सच में आने वाले हैं, और अगर आ रहा है इस शो का सीजन 3 तो कौन स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या एक बार फिर से नियति फतनानी हर्ष राजपूत की जोड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर कोई नए स्टार कास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे? ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए किसे आप देखना चाहते हैं। क्या नियति फतनानी और हर्ष राजपूत की जोड़ी आपकी फेवरेट है, उसे ही देखना चाहते हैं? सो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं बात करें मोनालिसा के बारे में, फिलहाल के लिए वो बिजी हैं अपने न्यू शो को लेकर, जो कि नमक इश्क का शो में वो नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इस शो का उनके पास प्रपोजल जाता है तो डेफिनेटली वो इस शो को ज़रूर साइन करेंगे, क्योंकि ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ज़रूर बताना कैसे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप इस शो के सीजन 3 के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड टेलीविजन की ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।